हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने कल स्टार्ट किया था जूलॉजिकल पार्क और म्यूज़ियम्स हमने कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट जो है करेंगे नेशनल पार्क्स। ठीक है, हमने क्या करना है, नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क में जो सिलेबस में मेंशन है, डाचीगम नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क है। आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा डाचीगम नेशनल पार्क। ठीक है, डाचीगम नेशनल पार्क जो हमारी स्टेट हमारे जम्मू में ही, जम्मू कश्मीर में है, हमारी यूटी जे एंड के में है डाचीगम नेशनल पार्क, जो श्रीनगर के एरिया में लोकेटेड है। इस तरह से इसकी देखो ये पिक्चर्स कुछ ली गई हैं, जो इसमें फ्लोरा एंड फना है। ठीक है, ये देखो श्रीनगर की पहाड़ियों के बीच ये डाचीगम नेशनल पार्क जो है लाई करती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ना हमने ये चीज़ देखनी है कि नेशनल पार्क होती क्या है, क्योंकि नेशनल पार्क और जूलॉजिकल पार्क हमने कल किया था। ठीक है, पहले नेशनल पार्क देखते हैं क्या होता है, फिर इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। नेशनल पार्क देखो एक ऐसी ऐसा एरिया होता है जो स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड होता है, किसके लिए, बेटरमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब स्ट्रिक्टली रिजर्व्ड का मतलब क्या हो गया, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का मतलब क्या हो गया, पाउचिंग नहीं कर सकते, ग्रेजिंग नहीं कर सकते, वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं कर सकते। जो नेशनल पार्क होती है उसका एक एरिया जो है वो लोकेट किया जाता है, उस एरिया के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो अलाउड नहीं होती। क्यों अलाउड नहीं होती, क्योंकि नेशनल पार्क में जो एनिमल्स होते हैं पर्टिकुलरली वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती हैं, या फिर उन एनिमल्स को डेंजर होता है ह्यूमन से ही और किसी चीज़ से होता नहीं। ठीक है, तो उसकी जो बाउंड्रीज, नेशनल पार्क की बाउंड्रीज होती हैं वो डिमार्केटेड होती हैं, और वो मतलब पूरी अगर ये बाउंड्री बनाई है इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होंगी। ठीक है, और ये जो बाउंड्रीज हैं मार्क कौन करता है, IUCN। अब IUCN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। देखो ये जो यहाँ पे मैंने ये इमेज रखी है, इसमें पूरा पेज नहीं आ रहा, आपको जो PDF प्रोवाइड की जाएगी पूरा आपको क्लियर मिल जाएगा उसमें, इसलिए आप इसको लिखना यहाँ से तो है नहीं, आपने जस्ट समझना है, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, आपको जो PDF प्रोवाइड की जाएगी उसमें पूरा का पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की जो एक हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, वही क्या करती है, नेशनल पार्क की बाउंड्रीज को मार्क करती है, उसके अंदर जो है वो पूरी प्रोटेक्शन की जाती है वाइल्ड एनिमल्स की। ठीक है, ये हमारे पास नेशनल पार्क आ गई। अब अगर हम इसको जूलॉजिकल पार्क को कंपेयर करें, जूलॉजिकल पार्क जो है वो ह्यूमन एंटरटेनमेंट के लिए मोस्टली जो है वो बनाई जाती है, उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड होती हैं, ह्यूमंस जो हैं अलाउड होते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी अलाउड नहीं होते। और नेशनल पार्क में पूरा का पूरा नेचुरल एनवायरमेंटल कंडीशंस रखी जाती हैं, कोई आर्टिफिशियल केज वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते। ठीक है, अब डाचीगम नेशनल पार्क की बात करें, डाचीगम नेशनल पार्क जो कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर में लोकेटेड है। श्रीनगर से मेन जो श्रीनगर है उसे 22 किलोमीटर अवे है। ठीक है, 22 किलोमीटर श्रीनगर से आगे है, और इस नेशनल पार्क ने कितना एरिया कवर किया है, 141 स्क्वायर किलोमीटर। पूरी नेशनल पार्क जो है 141 स्क्वायर किलोमीटर में पूरी लोकेटेड है। अब जो ये नाम है ना, डाची और गम, ये डिराइव हुआ है दो वर्ड से, डाची और गम। डाची का मतलब है 10, डाची का मतलब हमारे पास क्या है, 10, और जो गम है इसका मतलब है विलेजेस। ठीक है, विलेजेस मतलब क्या हुआ, ये जो नेशनल पार्क बनाई थी डाचीगम नेशनल पार्क, देखो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई, नेशनल पार्क में ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं होती, तो जब ये पार्क बनाई गई तो इसमें ह्यूमंस के 10 विलेजेस को रीलोकेट किया गया, मतलब 10 गांव थे उनमें से लोगों को निकाला, उनको अलग जगह शिफ्ट किया, और इन 10 गांवों को कंबाइन करके ये एक डाचीगम नेशनल पार्क बनाई, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं थी। ठीक है, तो डाची का मतलब 10 है और गम का मतलब विलेजेस है। डाचीगम का मतलब क्या हो गया, ये नाम कहाँ से डिराइव हुआ है, क्योंकि 10 विलेजेस जो थे आसपास के 10 विलेजेस को कंबाइन करके ये पार्क बनाई गई है, तो ये नाम वहाँ से पड़ा है इसका, डाचीगम। ठीक है, अब जो डाचीगम है ये कब से, इसको पहले ये नेशनल पार्क का नाम नहीं था, पहले इसको नेशनल पार्क कंसीडर नहीं किए करते थे, इसको जस्ट एज अ प्रोटेक्टेड एरिया कंसीडर करते थे, फिर सेंचुरी का नाम आया, अब इसको जो है नेशनल पार्क, जो है नेशनल पार्क 1981 के बाद इसको नाम मिला है। उससे पहले क्या था, जस्ट एक प्रोटेक्टेड एरिया था, 1910 में प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया गया, देन उसके बाद 1981 में इसको नेशनल पार्क का नाम मिला। ठीक है, देन उसके बाद हमने इसमें देखना है कि इसमें फ्लोरा और फना क्या 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 होते हैं। फ्लोरा आपको पता है प्लांट स्पीशीज़ को हम बोलते हैं, ठीक है, और फना में हमारे पास एनिमल स्पीशीज़ आती हैं। फ्लोरा में देखा जाए तो कॉनिफ्रस फॉरेस्ट है, कॉनिफ्रस आपको पता है कॉनिफ्रस फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास ये पाइन ट्रीज वगैरह, चीड़ के पेड़ वगैरह, वैसे कॉनिफ्रस फॉरेस्ट है। मैं आपको इसकी पूरी इमेज दिखा देती हूँ, ये देखो
ये वाला जो फ्लोरा है वहाँ पे अल्पाइन पास्चर्स हैं, अच्छा इस तरह से डीप गलीज बनी हुई हैं, और हमारे पास मिडोज़ हैं और हमारे पास नार्स हैं, ठीक है, ये मोस्टली वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो वही चीज़ें आपने लिखनी है, हमारे पास वाइल्ड ट्रीज़ हैं वहाँ पे, ठीक है, काफ़ी थिकली कवर्ड हैं, थिकली मतलब काफ़ी घनी घनी बुशेज़ हैं वहाँ पे, और डीप गलीज, डीप गलीज़ का मतलब जो है ना इस तरह स्टीप्स बनी हुई हैं, जो खेत वगैरह है ना, मतलब जो जगह है इस तरह स्टीप्स वगैरह बनी हुई है वहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा और वहाँ पे क्या क्या है राचीगम नेशनल पार्क में, यही अल्पाइन ट्रीज़र, वाइल्ड एप्पल, हाँ ये देखो वाइल्ड चेरी है, एप्रिकॉट है, एप्पल हैं, और कुछ एक अलग वेराइटीज़ किसकी, पीच की, पीच की वेराइटीज़ भी कहाँ पे श्रीनगर में उस राचीगम नेशनल पार्क में हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये आ गया फ्लोरा की बात। फना की बात करें तो फना में काफ़ी सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक जो है जिसके लिए नेशनल पार्क फेमस है, कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी स्टैग, या फिर इसको क्या बोलते हैं हंगुल, जिसको पहले स्टेट एनिमल कंसीडर किया जाता था, हंगुल जो सिर्फ और सिर्फ राचीगम नेशनल पार्क में हमें मिलता है, इसको कश्मीरी स्टैग भी बोला जाता है, और अब ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। एंडेंजर्ड का मतलब इसका नंबर जो है डिक्लाइन कर रहा है, एक्सटिंक्ट अभी नहीं हुआ, ये एक्सटिंक्ट होने पर नहीं आया, एंडेंजर्ड आया। आपको पता है जब कोई भी चीज़ एक्सटिंक्ट होने वाली होती है, ख़त्म होने वाली होती है, पहले वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, देन क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, देन उसके बाद एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ जाती है। तो अभी ये क्या है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, कौन सा, कश्मीरी स्टैग, या फिर जिसको क्या बोलते हैं हम, हंगुल, ठीक है, ये आपने याद रखना, स्टेट एनिमल इसको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद इनको, उसको छोड़ के हिमालयन ब्लैक बियर है, मस्क डियर है, हमारे पास लेपर्ड है यहाँ पे, और मारखोर, ठीक है, ये भी मैं आपको इमेजेस बता देती हूँ, ये देखो, ठीक है, ये हमारे पास आ गया बियर आ गया, ये देखो बियर है, मस्क डियर है, और ये हमारे पास मारखोर है, और हमारे पास ये भी डियर की इमेज है, मस्क डियर ये है, ठीक है, मस्क डियर, हिमालयन बियर आइबेक्स है, और उसके बाद ये वाला हमारे पास मारखोर है, इसकी पूरी इमेज नहीं है मारखोर की, मैं आके बता देती हूँ, हंगुल आप देख लो, ये देखो हंगुल ये है, जिसको कश्मीरी स्टैग बोला जाता है, ठीक है, ये वाली भी इमेज है हंगुल की, ये भी आप देख लो, इस तरह से ये हंगुल, इसको स्टेट एनिमल कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा फ्लोरा और फना को छोड़ के अप्रॉक्सीमेटली इसमें 150 डिफरेंट स्पीशीज हैं, किसकी, बर्ड्स की, ठीक है, जिसमें ब्लैक बुलबुल है, ईगल, गोल्डन ईगल है, ग्रे हिरोन है, ठीक है, इसकी भी इमेजेस में ही बता देती हूँ, ये देखो ये हमारे पास आ गई ब्लैक बुलबुल, ये गोल्डन ओरियल है, और ये वैग टेल है, वुडपेकर है, सिनामन स्पैरो है, और हमारे पास ये कश्मीर फ्लाई कैचर है, और हिमालयन रूबी थ्रॉट है, ठीक है, ये कुछ एक बर्ड्स की स्पीशीज़ के नाम अपने याद रखने, आप इन इमेजेस से ही चार पांच नाम आपको ज़रूर याद रखने, ठीक है। लेकिन कुछ एक ऐसी वैरायटीज़ हैं जैसे हंगुल है जो यहीं देखने को मिलता है, हिमालयन ब्लैक बियर है जो यहीं देखने को मिलता है, मारखोर जो है वो लद्दाख में भी देखने को मिलता है, ठीक है, मस्क डियर वगैरह जो हैं वो थोड़ी अलग दूसरी एक दो और नेशनल पार्क में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन हंगुल जो है वो यहीं की स्पेशल वैरायटी है, हंगुल को आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं राचीगम नेशनल पार्क, कल हम करेंगे हेमिस नेशनल पार्क, उसी के साथ थोड़ा सा मांडा जू का भी कर लेंगे, ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।